कोरोना वायरस को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। यूपी में कोरोना वायरस के 34 संदिग्ध मामले सामने आए हैं और सभी के सैंपल की पुणे में जांच हो रही है। कोरोना वायरस के खतरे के चलते नोएडा में 2 निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शिव नाडर स्कूल और श्री राम मिलेनियम स्कूल को 6 मार्च तक के लिए बंद किया गया है। नोएडा के डीएम ने बताया कि इन स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए बंद किया गया है। वहीं श्री राम मिलेनियम स्कूल के छात्र अब ग्रेटर नोएडा के सेंट जोसेफ स्कूल में एग्जाम दे सकेंगे। दरअसल इस स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र के पिता को कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिसके बाद सावधानी के तौर पर स्कूल प्रशासन ने यह फैसला लिया है। चीन के वुहान से दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को लेकर भारत भी सतर्क हो गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा और आगरा में कोरोना वायरस से जुड़े कुछ केस सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य से केंद्र सरकार तक हर कोई अलर्ट पर है। ऐसे में विदेश से भारत आने वाले लोगों की जांच की जा रही है। भारत ने कई देशों के लिए 3 मार्च से पहले जारी किए गए वीजा को रद्द कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक इटली, ईरान, साउथ कोरिया और जापान से आने वाले यात्रियों को जो वीजा या ई वीजा जारी किया गया है उसे रद्द कर दिया गया है। 3 मार्च के बाद इन देशों के किसी नागरिक को भारत का वीजा नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को भी इन देशों को जाने से मना किया गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी जरूरी उपाय सरकार की ओर से किए जा रहे हैं, अस्पताल को जरूरी निर्देश दिए जा चुके हैं। वहीं लखनऊ के चीफ मेडिकल ऑफिसर नरेंद्र अग्रवाल ने बताया कि कोरोना को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट पर टीम लगातार निगरानी रख रही है। उन्होंने बताया कि 12 देशों से आ रहे यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। सीएमओ के मुताबिक लखनऊ में 6 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिसमें 5 की रिपोर्ट निगेटिव निकली, वहीं 1 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कोरोना वायरस से भारतीय डाक विभाग भी सहम गया है। इसके डर से चीन से आने वाले पार्सल या चिट्ठी को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। वहीं भारत से चीन जाने वाले सभी तरह के पार्सल चिट्ठी की बुकिंग करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जिले के डाक अधीक्षक राम निवास कुमार ने बताया कि डाक निदेशालय से उन्हें निर्देश मिला हुआ है, जिसके तहत चीन में फैले कोरोना वायरस के बाद किसी तरह का आर्टिकल डाक पार्सल चीन के लिए बुक नहीं किए जा रहे हैं। तेलंगाना में कोरोना वायरस की दस्तक के बाद आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमरावती में मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हर संभव उपाय किया जाए। साथ ही सीएम ने कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को एक सतर्क मोड में आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चेन्नई में मंगलवार को मुख्यमंत्री एडप्पा पलानी सामी ने 2587 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में डॉक्टरों को कोरोना वायरस का इलाज ढूंढना चाहिए। उन्होंने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर करने की बात कही। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य अपग्रेड करने के लिए भी योजना लागू होनी है। दिल्ली हिंसा में नाम आने के बाद आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई है। कड़कड़डूमा कोर्ट ताहिर हुसैन की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई करेगी। इस केस की सुनवाई जज सुधीर कुमार की अदालत में होगी। ताहिर पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। साथ ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा में भी उसके खिलाफ केस दर्ज हैं। हत्या, आगजनी और हिंसा फैलाने के आरोप का सामना कर रहे ताहिर हुसैन को अब तक पुलिस पकड़ नहीं सकी है। दिल्ली हिंसा के दौरान पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख को 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बंदूकबाज शाहरुख को उत्तर प्रदेश के शामली से गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 4 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। दिल्ली हिंसा के दौरान 24 फरवरी को इस शख्स ने 8 राउंड फायरिंग की थी। क्राइम ब्रांच के एडिशनल सीपी अजीत सिंगला ने कहा कि जिस पिस्टल से जाफराबाद में फायरिंग की गई थी उसे बिहार के मुंगेर से खरीदा गया था। पुलिस फिलहाल पिस्टल रिकवरी की कोशिश कर रही है। क्राइम ब्रांच ने खुलासा किया है कि फायरिंग की घटना के बाद वो दिल्ली में ही कुछ दिनों तक रुका रहा, फिर वो पंजाब गया। पंजाब से शाहरुख ने बरेली का रुख किया और फिर शामली पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बिना नाम लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर हमला बोला।
पीएम मोदी ने भारत माता की जय के नारे का जिक्र करते हुए पूछा कि कांग्रेस को इस नारे में दिक्कत क्या है। बीजेपी सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को भारत माता की जय बोलने में भू आती है। ठीक ऐसा ही वातावरण देश की आज़ादी के समय था, जब कुछ लोगों को वंदे मातरम बोलने में भू आती थी। कुछ लोग अपने दल के लिए ही जी रहे हैं, लेकिन हम देश के लिए जीते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत माता की जय के नारे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। वहीं दिल्ली में हाल ही में हुई हिंसा की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आजकल देश में विरोधी तंत्र ज्यादा ताकत के साथ सक्रिय हो गया है। दिल्ली दंगों के बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और सीएम केजरीवाल के बीच दिल्ली हिंसा और कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई। बैठक के बाद सीएम केजरीवाल ने ये बताया कि देश की राजधानी में ऐसे दंगे दोबारा ना हो, इसे लेकर मिलकर काम करने की बात हुई। केजरीवाल ने पीएम से अपील की है कि दंगे के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हिंसा को लेकर रविवार को फैली अफवाहों पर पुलिस ने तत्परता दिखाई। दिल्ली हिंसा पर तत्काल चर्चा को लेकर संसद के दोनों सदनों में मंगलवार को भी हंगामा हुआ। सरकार इस मुद्दे पर होली के बाद चर्चा कराने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस तत्काल चर्चा कराने की अपनी मांग पर अड़ी रही, जिसके बाद सदन में काफी हंगामा हुआ। लोकसभा स्पीकर ने सांसदों को चेतावनी भी दी, लेकिन हंगामा ना थमने की वजह से सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इससे पहले एक लिखित जवाब में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जानकारी दी कि दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने जरूरी कदम उठाते हुए सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। राज्यसभा में भी विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कांग्रेस, बीएसपी और सीपीआई की तरफ से मंगलवार को राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया था। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। भारत दिसंबर से पाकिस्तान जाने वाली नदियों का पानी रोक सकता है। पानी रोकने के लिए तकनीकी रिपोर्ट बन चुकी है और वैधानिक क्लियरेंस मिलना बाकी है। भारत रावी नदी की सहायक नदी उज का 2 TMC पानी रोकेगा। इसके अलावा रावी की 5 सहायक नदियों का पानी भी रोका जाएगा। पुलवामा हमले के बाद से भारत पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को रोकने की तैयारी कर रहा है। भारत से जाने वाला पानी रुकने से पाकिस्तान की खेती को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी पर विधायकों को खरीदने के दिग्विजय सिंह के आरोपों पर सीएम कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह के लगाए गए आरोपों से वो सहमत हैं। कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई विधायकों ने मुझसे भी इसकी शिकायत की है और मैंने विधायकों से कहा है कि फोकट का पैसा मिल रहा है तो ले लो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के भी कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता डर रहे हैं कि आने वाले समय में उनके पिछले 15 सालों के भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के घर पर हमला हुआ है। मंगलवार शाम करीब 6:45 बजे 3 बदमाश दिल्ली में अधीर रंजन चौधरी के घर में जबरन घुस गए और उनके स्टाफ के साथ मारपीट की। स्टाफ का आरोप है कि हमलावर घर में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे और कुछ फाइलें लेकर फरार हो गए। हमले के वक्त अधीर रंजन की बेटी भी घर में मौजूद थी। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जब हमला हुआ तो वो घर पर नहीं थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलवामा हमले की एनआईए जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए ने पुलवामा हमले के फिदायीन आदिल डार की मदद के आरोप में पुलवामा से पिता और बेटी को गिरफ्तार किया है। तारिक अहमद शाह और इंशा जान पर पुलवामा हमले के आतंकियों को अपने घर में शरण देने का आरोप है। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि हमले से पहले आतंकियों ने इन्हीं के घर से वीडियो रिकॉर्डिंग की थी। तारिक अहमद शाह और इंशा जान पर हमले की योजना बनाने में आतंकियों की मदद करने का भी आरोप है। जांच में हुए खुलासे के मुताबिक इंशा जान पाकिस्तानी आतंकियों के लगातार संपर्क में थी। मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग की खबरों के बीच अब बजट सत्र के लिए कांग्रेस व्हिप जारी करेगी। संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि कांग्रेस विधायकों को मिले लालच के बाद सतर्क है और बजट सत्र में विधायकों के लिए व्हिप जारी होगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने उन्हें ये बताया है कि बीजेपी नेताओं ने लालच दिया है। गोविंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस विधायक बिकाऊ नहीं है और बिकाऊ विधायकों की कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। लखनऊ में नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ वसूली का नोटिस जारी किया गया है।
जिला प्रशासन की तरफ से 16 दंगाइयों को ये नोटिस जारी किया गया है। लखनऊ के एडीएम नगर पश्चिमी विश्वभूषण मिश्रा ने ठाकुरगंज में 10 और कैसरबाग इलाके के 6 आरोपियों को ये नोटिस भेजा है। लखनऊ पश्चिमी क्षेत्र में सरकारी संपत्ति को 47,10,900 रुपए के नुकसान और 22,38,000 रुपए की निजी संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। वसूली की आखिरी तारीख 8 अप्रैल तय की गई है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान को परिवार के साथ अभी जेल में ही रहना होगा। रामपुर कोर्ट ने मंगलवार को एसपी सांसद समेत उनके बेटे और उनकी पत्नी की जमानत याचिका खारिज कर दी। ये जमानत याचिका आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम को दोहरे जन्म प्रमाण पत्र मामले में थी, जिसमें अब्दुल्ला का एक बर्थ सर्टिफिकेट रामपुर नगर पालिका से बनवाया गया था और दूसरा लखनऊ से बनवाया गया था। अब्दुल्ला के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग थी। आजम खान ने अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला के साथ पिछले सप्ताह रामपुर कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। फिलहाल खान परिवार सीतापुर जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में 10 दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव का आगाज हो गया है। मंगलवार को लट्ठमार होली के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बरसाना की इस खास होली में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरसाना के श्रीजी मंदिर में राधा रानी के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने साधु संतों से भी मुलाकात की। कृष्ण की नगरी मथुरा में खेली जाने वाली होली अपने आप में अनोखी होती है। लट्ठमार होली से एक दिन पहले यहां के प्रमुख राधा रानी मंदिर में लड्डू होली मनाने की परंपरा है। लट्ठमार होली से पहले मंगलवार को यहां लड्डू मार होली मनाई गई। इस मौके पर राधा रानी को लड्डुओं का भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप ये लड्डू वहां मौजूद भक्तों पर फेंकी गई। लोगों ने भी इसका जमकर आनंद लिया।